आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रस भरी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, बिना गैस जलाए इसको आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बढ़िया से बना के रेडी कर लिया। बहुत आसान है बनाने, पीने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, YouTube फैमिली को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली की एकदम स्पेशल रेसिपी, जो कि एकदम तरोताजा रखेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है, अब करना क्या है, इसमें दूध डालना है। दूध आप रूम टेम्परेचर पर लीजिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। तो हमने एक गिलास ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो कम या ज़्यादा, मतलब जितना गिलास आप बनाना चाहो उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर अब इसमें डालेंगे पानी। ये इतना टेस्टी बनेगा क्योंकि हम इसको बिना गैस जलाए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पानी को भी डाल दिया है, अब करना क्या है, यहाँ पे डालना है सेट। तो ये सिया सीट है, ये इजली बाज़ार में मिल जाती है, इसे बोलते हैं सब्जा, जैसे तुलसी के बीज, कुछ भी सो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। बस इसको रख देना है फूलने के लिए। मीठा में आप इसमें क्या डालना चाहते हैं आपकी पसंद है, जैसे चीनी भी डाल सकते हैं, या तो मिश्री डाल दीजिए, और जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम शहद का प्रयोग किए हैं दोस्तों, और इसकी तासीर सब्जा की बहुत ठंडी होती है, गर्मी शुरू हो गई है, तो ज़रूर ज़रूर बना के पिएं और अपने घर वालों को भी बना के पिलाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बढ़िया तरह से इसमें डाल दिया है शहद को। शहद से थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हफ्ते में जो है इसको 2-3 बार तो पी सकते हो, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है पीने में। जब आप एक बार बनाओगे तो ज़रूर ज़रूर फिर बार बार आपको बनाने का मन करेगा। तो बस इसको इस तरह से थोड़ा से कर देना है, और उसके बाद में करना क्या है, इसमें थोड़ा से डाल देना है केसर के धागे, इससे थोड़ा से कलर अच्छा आ जाएगा। उसके बाद में इसको ढक करके रख देना है, 10 मिनट के लिए रख देना है, बढ़िया से फूल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बढ़िया से केसर भी डाल दिया। अगर केसर नहीं है तो इलायची का पाउडर आप इसमें डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमने बढ़िया तरह से मिला भी दिया है, बस देख सकते हो अब ये बहुत झटपट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया, बस इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। देख सकते हो 10 मिनट के बाद में इसका कलर भी बहुत अच्छा से चेंज हो चुका है, और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। दोस्तों ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी शुरुआत हो गई है, तो इस तरह का अगर हम हफ्ते में 2-3 बार पियेंगे तो काफ़ी हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। तो यहाँ पर हमने केला एक ले लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हो कितना आपको लेना है, बस इसको छील लेना है, और उसके बाद में इसको पीसेस में कट कर लेना है, पतले पतले इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। तो लीजिए हमने बढ़िया तरह से कट कर लिया है, अब करना क्या है, लेना है ग्लास, कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, जो भी आपके घर में बर्तन है उसमें इसको डाल के पीजिए, खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो हमने एक ग्लास ले लिया है, अब करना क्या है, इसको इसी में डाल देते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा भर दिया, इसको थोड़ा से खाली करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें हम केला डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको कुछ खाली करने की कोशिश किए हैं। उसके बाद में केले को डाल दीजिए, ऊपर से आप इसमें गार्निश के लिए बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हो, बहुत ही हेल्दी बनता है दोस्तों। यहाँ पे हमने दूसरा गिलास भी बढ़िया से भर दिया है, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें डाल देंगे केले को। 2 गिलास हमारा बहुत बढ़िया से ड्रिंक रेडी हो चुका, चाहे अब इसको ड्रिंक कहें या तो फिर इसको रस भरी कहें, दोनों बहुत बढ़िया से स्वाद आएगा। इसका स्वाद इतना बढ़िया है कि जब आप एक बार बनाओगे आपका बार बार बनाने का मन करेगा। तो लीजिए हमने बढ़िया तरह से इस तरह से चम्मच से चला दिया है।
थोड़ा सा इसको और भर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। लगभग 2.5 गिलास हमारा बनके रेडी हुआ है। थोड़ा सा केसर वसर से सजा देते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से रेडी होने वाला है, हो ही गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके इन सभी चीज़ों को हमको इंतज़ार रहता है। कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, तो ज़रूर ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मेरी YouTube फैमिली से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बढ़िया तरह से तैयार कर लिया है, काफ़ी अच्छा बना है और हेल्दी भी बना। तो आप भी गर्मी में ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।